हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हेमा। तो गाइस, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आम की खट्टी मीठी चटनी, जिसे हम गुड़ के साथ बनाएंगे और इसे एक बार बनाने के बाद रख लेंगे। 1 से 2 साल तक आपकी आराम से चलेगी, बिल्कुल भी ख़राब होने वाली नहीं है, सबको बहुत ही पसंद आती है। आप बच्चों के टिफ़िन में, नाश्ते में पराठा, चपाती, ब्रेड किसी भी चीज़ के साथ दीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में ये बन जाती है। इसके पहले भी हमने आपके साथ आम के मीठे अचार की कई सारी रेसिपी शेयर की है और आप सब ने उसको बहुत पसंद किया है। तो उम्मीद करते हैं हमारी इस रेसिपी को भी आप बहुत पसंद करेंगे। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस, इसके लिए लिया है हमने 500 ग्राम आम। आम आपको थोड़े से बड़े साइज़ के लेने हैं और थोड़े से गूदे वाले लेने हैं। थोड़े से बड़े साइज़ के और गूदे वाले जो आम होते हैं ना, उसका अचार बहुत अच्छा बनता है। तो सबसे पहले इन आमों को हमने धुल लिया। धुलने के बाद इसका पानी हमने पोंछ दिया। अब इसको हम पीलर की मदद से छील लेंगे। तो सबसे पहले हमने इसका ऊपर का डंठल जो होता है ना, उसको हटा दिया और उसके बाद इसको छील लेना है। तो हमें अच्छे से छीलना है। इसमें जो हरा वाला पार्ट होता है वो बिल्कुल भी नहीं लगा रहना चाहिए। जब हरा वाला पार्ट लगा रह जाता है तो जो आम को ग्रेट करने के बाद उसके लच्छे बनते हैं तो वो टाइट हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें हरा वाला पार्ट बिल्कुल भी लगा नहीं रहना चाहिए। तो इसी तरीके से हमें सारे आम को छील लेना है। तो ये देखिए, हमने सारे आम को छील लिया है और अब हम करेंगे इसको ग्रेट। तो ग्रेट करने के लिए हमें ग्रेटर लेना है। अगर आपको लच्छे वाली आम की चटनी पसंद है तो आप ये मोटे ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए, वरना महीन वाले ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। हमें तो लच्छे वाला आम जो चटनी में होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हमने ये मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है। और इसी तरीके से ग्रेट कर लेना है और गुठलियों को इसकी हटा देना है। तो ये देखिए, हमने सारे आम को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसको एक बाउल में डाल देंगे। कि हमने 500 ग्राम कच्चा आम लिया है तो इसको छीलने के बाद इसका छिलका और जो गुठली निकल गई तो लगभग 100 ग्राम इसमें से निकल गया। तो अब हमारे पास लगभग 400 ग्राम कच्चा आम का पल्प है, तो हम गुड़ भी 400 ग्राम ही डालेंगे। तो गुड़ भी हमें उतना ही लेना है जितना हमारा आम है। तो गुड़ ऐसे तो बहुत बड़ा सा है, कंकड़ी वाला है, तो इसको हम चाकू से ऐसे क्रश कर लेंगे। क्रश करने के बाद जब हम इस आम की चटनी में डालेंगे तो गुड़ जो है जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। अगर बड़ा बड़ा सा डाल देंगे तो थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो सारा गुड़ हमने इस तरह से क्रश कर लिया है। अब इस गुड़ को हम आम के साथ में मिला देंगे। तो ये जो गुड़ है इसको हम इसी बाउल में डाल देंगे और डालने के बाद इसको हम मिला देंगे और मिला के इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम ढक करके रख देंगे। तो ढक करके रखने से क्या होगा, जो आम का जूस है वो रिलीज़ होगा और ये गुड़ जो है आम के जूस के साथ में मेल्ट हो जाएगा। तो इससे हमको जब ये चटनी हम बनाएंगे तो टाइम भी कम लगेगा। तो हमने मिक्स कर दिया है और ढक करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं। तो ये 15 से 20 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कितना सारा जूस निकल आया है और जो गुड़ है वो इसके साथ में मेल्ट हो गया है। तो हमने गैस पे चढ़ा दिया है एक पैन और पैन में ये हमने गुड़ और आम को डाल दिया है। हमें कोई इसका छौका नहीं लगाना है, कोई तड़का नहीं लगाना है, बस डायरेक्ट पैन में ऐसे ही डाल देना है। और गैस की फ्लेम को अभी हमने हाई कर दिया है जिससे कि जल्दी से गुड़ गर्म हो जाए और ये मेल्ट हो जाए। और उसके बाद हम जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा, इसमें बॉयल आने लगेगा, गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे। देखिए, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और इसमें बॉयल सा आने लगा है, तो हमने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। तो हमें इस चटनी को लो फ्लेम पर बनाना है। लो फ्लेम पर बनाने से जो इसका टेक्स्चर होगा, जो इसका स्वाद होगा वो बहुत अच्छा आएगा। आम जो है वो गुड़ के साथ में बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। अगर फ्लेम को हम हाई कर देंगे तो क्या होगा कि गुड़ की जो चाशनी है ना वो बहुत जल्दी बन जाएगी और जब बहुत जल्दी बन जाएगी तो जो आम हमारा होगा वो पक नहीं पाएगा। इस चटनी को बनाते समय फ्लेम को लो ही रखें। इसका थोड़ा सा गुड़ जो है देखिए पतला हुआ, उसके बाद में ये चाशनी बन गई, थोड़ा सा कम हो गया यानी कि गाढ़ा हो गया। तो अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने नमक डाल दिया है, तो ये आधा चम्मच नमक डाल दिया है, 1/4 चम्मच काला नमक डाल दिया है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च डाल दी है और तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद इसमें हमने डाल दिया है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डाल देने से
जो हमारी चटनी है इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। एकदम ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो डालें, नहीं तो ना डालें। और इसको धीरे धीरे करके हमने 15 मिनट तक पकाया है, और 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि चाशनी जो है वो एकदम गाढ़ी हो गई है। और अभी हमको थोड़ा सा और पकाना है, अभी थोड़ी सी पतली लग रही है, तो इसको 1 से 2 मिनट तक हम और पका लेते हैं। तो देखिए, इसको 1 से 2 मिनट तक हमने पका लिया है, और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, आपको इतनी ही कंसिस्टेंसी रखनी है और गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। अगर आप ज़्यादा पका देंगे तो जो चटनी हमारी है वो बहुत हार्ड हो जाएगी, और बाद में आपको जार से निकालते समय दिक्कत होगी। तो इसका आप ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है और बहुत कम भी नहीं पकाना। अगर चटनी को कम पकाएंगे तो ये लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी और जल्दी से ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए चटनी की परफेक्ट कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। तो चटनी हमारी एकदम ठंडी हो चुकी है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। ये स्पैचुला से बहुत ही आसानी से गिर रही है, ना ही गाढ़ी है और ना ही पतली है। और एकदम ठंडी हो जाने के बाद आप किसी भी एयर टाइट डिब्बे में भर के इसको रख दीजिए, और जब भी निकालना हो एक साफ़ चम्मच से निकालिए। आपकी ये चटनी सालों साल ख़राब नहीं होगी। अगर वीडियो हमारा पसंद आया है तो गाइस एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर बहुत पसंद आया है तो एक कमेंट भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ इसको शेयर भी कीजिए। तो देखिए, हम इसको एक बाउल में अभी के लिए ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और जब ये एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगी, एकदम ठंडी हो जाएगी, तभी हम जार में रखेंगे। तो ये रेसिपी आप कब ट्राई कर रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो गाइज़, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए ईट हेल्दी, थिंक हेल्दी।